नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश में नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सुप्रीत सचदेव। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक ली। इसमें फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव सहित तमाम अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर तमाम अधिकारियों से चल रहे विकास कार्यों को लेकर अपडेट ली और जल्द ही उनको पूरा करने के आदेश भी दिए। फरीदाबाद में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश भाटिया को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसको लेकर नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया ने जहां पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने कहा कि जिले में संगठन को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और लोगों की समस्याओं का निदान भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 13 तारीख को डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण जाखड़ भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नीति तो जी हम शुरू से हमारा परिवार कर रहा है। जिम्मेवारी तो अब मैंने व्यापार मंडल की भी कर रखी थी, पर व्यापारी लोगों ने और मेरे को पार्टी ने अगर कहा और मैंने पार्टी में ज्वाइन करी है और पार्टी ने मुझे पद दिया है, मैं वो एक तो पूरे कमेटी का ऊपर से नीचे तक जो भी है अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूरा जो मेरे उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी है मैं उसका पूरा पूरा लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ पार्टी में। तरीका प्रोग्राम है, चाहे हमारी अभी कुछ महिलाओं को हमारी कार्यकारिणी में भी लिया गया है, तो सब लोगों की जिम्मेदारियां दी गई है 13 तारीख के प्रोग्राम को लेके, और पूरी पार्टी हमारी उस प्रोग्राम को आयोजन करने में लगी हुई है ताकि उसका उस दिन भरपूर ढंग से। और फरीदाबाद से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 19 पर लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिलने वाली है। दरअसल गुरुग्राम कैनाल पर बनाए जा रहे पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 मार्च के बाद इस पुल को चालू कर दिया जाएगा। इसके बाद बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक मात्र 20 मिनट की दूरी रह जाएगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। हाईवे 19 पर लगने वाले जाम से अब जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि बल्लभगढ़ में एक नए फ्लाईओवर का निर्माण यहां किया जा रहा है। क्योंकि गुड़गांवा कनाल पर एक लंबा जाम यहां लगता था, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि यहां नेशनल हाईवे पर अब इस पुल के निर्माण का अंतिम चरण में काम चल रहा है और माना जा रहा है कि 20 मार्च के बाद में यहाँ इस पुल का शुरुआत कर दी जाएगी और बल्लभगढ़ के लोगों के साथ साथ में पलवल जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, आप अभी भी दूसरे रास्तों से सर्विस रोड से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, लेकिन एक लंबे जाम की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है। आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि लंबा जाम हर वक्त यहाँ लगा रहता है और इसे संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और इसी वजह से यहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बाकायदा लगाई गई है। लेकिन अब बल्लभगढ़ तक पहुँचने के लिए बदरपुर बॉर्डर से मात्र 20 मिनट में यहाँ लोग पहुँच जाएंगे और इसी के चलते अब इस जो पुल है इसकी तैयारी जल्द जोर शोर से की जा रही है। हमारे साथ में पुलिसकर्मी हेमंत जी, आप यहाँ ट्रैफिक आप संभाल रहे हैं? संभाल रहे हैं जी, लेकिन ये जो सरकारी काम चल रहा है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया, ये जो अपने हिसाब से कर रहे हैं काम। नहीं, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये इनको क्योंकि करना है इस पुल को जल्दी से जल्दी ये बन के तैयार हो, क्योंकि जो अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ एक लंबा जाम देख ही रहे हैं, जाम संभाल रहे हैं, जाम यहाँ लग रहा था और इस जाम को ही संभालने के लिए बाकायदा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और ऐसे में उम्मीद इस बात को लेकर जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बल्लभगढ़ ये जो हाईवे है इसको जाम फ्री किया जाए और इसी के चलते इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। कंपनी की तरफ से हाईवे पर इस पुल के निर्माण के बाद में बदरपुर बॉर्डर से और बल्लभगढ़ तक पूरी तरह से जो तमाम जो पुल फ्लाईओवर बनाए गए हैं NH-19 पर वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में आप बल्लभगढ़ तक बिना रुके आप बल्लभगढ़ तक पहुँच सकते हैं मात्र 20 मिनट में। तो एक बड़ी सौगात नेशनल हाईवे पर इस पुल के बनने के बाद में मिलने जा रही है और उसके बाद में जो तमाम
तमाम जो वाहन चालक है उनके लिए भी एक जो रास्ता आसान होने वाला है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो बल्लभगढ़ के एंट्री पॉइंट पर लगने वाले जाम की इंडिया न्यूज से हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से बकायदा पुलिसकर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि एंट्री गेट पर किसी भी तरह का जाम ना लगे, इसके लिए वहां पुलिस की तैनाती की जाए। रोड पर लगने वाले जाम को हटाने के लिए वहां अब पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भी सख्ती करते हुए सड़क पर रखे हुए सामान को दुकान के अंदर रखवा दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। हम खड़े इस समय बल्लभगढ़ में और यहाँ पर ये बल्लभगढ़ का मेन एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ऑटो चालक हैं उनकी वजह से यहाँ पर जाम लगता था, लेकिन अब पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर संज्ञान लेते हुए इन ऑटो को हटाया। एक झुंड में यहाँ पर खड़े हो जाते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर ऑटोज को खड़ा किया है। तमाम दुकानदार हैं वो यहाँ पर परेशान रहते थे। कितनी परेशानी होती थी ऑटो की? यार भाई साहब सही बताऊँ बात को, ना दुकानदार कम है ना ऑटो वाले कम है, दोनों में कमी नहीं है जी। दोनों ही साले सामान निकाल कर देते हैं सड़क पे, सामान लगा देख लो, अभी देखो तुम्हारे सामने सामान लगा, देख लो दिखाओ। दुकानदार भी जान लगा, दुकान पे सामान निकाल देंगे, आगे मोटरसाइकिल कर देंगे, आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे, आगे जाम लग जाता है जी। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अपना सामान आज जो है अंदर किया है और कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर घंटों जाम में फंसे रहते थे और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब पुलिसकर्मी जो जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से गुजरते थे तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पुलिसकर्मी इनसे पूछ लेते हैं, इंद्रजीत जी क्या मानते हैं नहीं, एसीपी साहब की तरफ से एक मुहिम चलाई हुई कि रोड को कैसे क्लियर कराया जाए, उसके मद्देनजर करते हुए हमारी ड्यूटी लगाई हुई है कि रोड को क्लियर कराया जाए ताकि आम जन को परेशानी ना हो इस चीज़ की। तो पहले ऑटो खड़े रहते थे, झुंड बना के खड़े रहते थे, अभी आपने किस तरीके से उनको हमने समझाया है कि ना मानते तो फिर उनका चलान भी किया हमने जी। तो क्या मानते हो कितनी परेशानी होती थी और अब कितनी राहत? अब काफ़ी सुधार आया है, अब अपनी सवारी उतार के चले जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। सीपी साहब ने आदेश दिए जी? सीपी साहब के आदेश तो कहीं ना कहीं सीपी साहब ने आदेश दिए हैं, विकास अरोड़ा हैं पुलिस कमिश्नर, उन्होंने आदेश दिए हैं साफ तौर पर। तो कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा देर तक यहां किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, तमाम पुलिसकर्मी यहां पर लगातार जो है काम कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इंडिया न्यूज़ इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहा है लोगों की परेशानी को लेकर के, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहां से गुजरते हुए करना पड़ता है, लेकिन अब उस खबर का असर यहां पर दिखाई दे रहा है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। हम खड़े फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान के बाद अब वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की शुरुआत की गई है। निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की, देखिए। फरीदाबाद नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाता रहता है और एक अभियान अब लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है वॉल पेंटिंग का। हम आपको दिखा दें कि ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये नगर निगम कार्यालय की दीवार है जहाँ बाकायदा एक जागरूकता के मैसेज समेत वॉल पेंटिंग की जा रही है। और ये जो बच्चे हैं केएल मेहता कॉलेज के बच्चे, आप साफ तौर से इनको समझ सकते हैं कि यहाँ आप ये पेंटिंग कर रहे हैं और एक पेंटिंग के जरिए लोगों को, यहाँ से निकलने वाले लोग जब यहाँ निकलें या अपना काम करवाने जब निगम में आएंगे वो आप कार्यालय में, तो एक मैसेज यहाँ से लेकर जाएँ। वो अलग अलग तरह के, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो चाहे स्वच्छता की बात हो, इसके अलावा और कई तरह के MCF से आप किस तरह से ऐप के जरिए काम करा सकते हैं, ये तमाम तरह के मैसेज हैं। और वॉल पेंटिंग के जरिए ये मैसेज देने की निगम की तरफ से कोशिश की गई है। निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से एक NGO को इसके लिए लगाया गया है। अब पहले इसकी शुरुआत फरीदाबाद में खुद के कार्यालय से की जा रही है, खुद की जो बाउंड्री है उनके कार्यालय की, इस पर ये पेंटिंग की जा रही है। बात करेंगे बच्चों से, क्या नाम है आपका बेटा? गुरमीत। गुरमीत, ये आप पेंटिंग कर रहे हैं MCF की दीवार पर, क्या क्या कॉन्सेप्ट है ये?
ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जिससे कि मतलब हम अलग अलग पोस्टर्स के थ्रू अलग अलग मैसेजेस देना चाहते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन और C11 ऐप के बारे में बताना और ये सब। हम बात करेंगे आपको आगे, आप आगे आइए, आप सिलसिलेवार आपको दिखा भी देते हैं कि क्या क्या ये मैसेज देने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, जैसे ये कि कूड़ा वूड़ा सब कुछ मतलब डस्टबिन में फेंकना है, तो और ये कूड़े वाली गाड़ी है, और ये मतलब सिम्बल्स हैं रिसाइकल रीयूज इन सब के। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पोस्टर में C11 ऐप के बारे में बताया है कि जिसमें कि हमें जहाँ पे भी कूड़ा दिखे वहाँ पे कि इन्हें मतलब कॉल करना है, इस ऐप के थ्रू हमें बताना है। देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ कि ये एक ऐप का यहाँ पेंटिंग की गई है, जो MCF का ऐप है, जहाँ साफ तौर से इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये तमाम तरह की इसमें एप्लीकेशन यहाँ दी गई हैं कि अलग अलग तरह से आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ 24/7 मिलेगा, कंप्लेंट्स आप इस पर कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है, लाइब्रेरी, ये तमाम वो हैं जो यहाँ दर्शाई गई हैं दीवार पर पेंटिंग के तौर पर। और ख़ास तौर से जो हम जिक्र कर रहे थे इन्वायरमेंट को लेकर, गुरमीत से हम बात करेंगे। गुरमीत आप बताइए, ये जो इन्वायरमेंट को लेकर सेव इन्वायरमेंट का एक मैसेज आपने दिया है यहाँ दीवार पर, ये किस तरह का मैसेज है? ये सेव इन्वायरमेंट है कि मतलब ये पेड़ पौधे उगाओ, मतलब हरियाली सी दिखाई गई है इसमें, हरियाली दिखाई गई है। चूंकि आप फरीदाबाद के आप भी रहने वाले हैं और आप समझते हैं बखूबी के पॉल्यूशन के मामले में फरीदाबाद सबसे नंबर 1 टॉप 10 सिटी में रहता है, तो कोशिश अब ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जी ये एज अ अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए एयर पॉल्यूशन को लेकर खास तौर से चूंकि सर्दियों के वक्त टॉप 10 सिटी में फरीदाबाद रहता है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, चाहे PM 2.5 की बात करें चाहे PM 10 की बात करें, वो तमाम ऐसी पार्टिकुलर्स हैं जो फरीदाबाद की हवाओं में रहता है और लोगों को उसके काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और एक जिम्मेदार MCF चूंकि एजेंसी है, उसको इस पॉल्यूशन पर नज़र बनाकर रखनी है। तो ये तमाम तरह की जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई हैं। और ये तमाम जो बच्चे हैं ये इस काम में जुटे हुए हैं क्योंकि लोगों को जागरूक करना है। बात करेंगे इनसे भी, आप क्या बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिता है और हम ये वॉल पेंटिंग बना रहे हैं जो हमें दिया गया है। आपको जो दिया गया, आपको क्या मिला है, क्या पेंटिंग कर रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप तो शुरुआत ही कर रहे हैं मुझे लगता है। हाँ जी, मैं सेफ ड्राइविंग के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमें सेफ ड्राइव करना चाहिए और हमें ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए और ना ही हमें कुछ खाते समय ड्राइव करना चाहिए और हमें ट्रैफिक रूल्स का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप अच्छा मैसेज आप देने की कोशिश यहाँ दीवार पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगता क्या है आपको ये इस तरह का जो जब मैसेज कहीं जाता है या वॉल पेंटिंग के माध्यम से, तो क्या लोग समझते हैं, उन पर असर होता है कहीं? अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो माने या ना माने, अब उनके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। हम तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि सेफ रहें और सुरक्षित रहें। देखिए जागरूकता एक बड़ा माध्यम होता है कहीं भी किसी भी समाज को बदलने के लिए, तो ये एक जागरूकता के लिए एक नया एक प्रयोग किया जा रहा है। MCF की दीवार से इसकी शुरुआत की जा रही है और तरह तरह के यहाँ से इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे जागरूकता अभियान, चाहे सेफ ड्राइव की बात हो, ये तमाम तरह के ऐसे ड्राइव चलाए जा रहे हैं MCF की तरफ से, ताकि लोगों को समझ में आए, समाज को समझ में आए और एक जागरूकता अभियान आगे बढ़ सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद में कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। लगातार फरीदाबाद में घट रहे कोरोना वायरस के बीच पहली बार जिले के निजी और सरकारी अस्पताल कोविड फ्री हो गए हैं, यानी कि अब पूरे जिले में कोई भी कोविड-19 पेशेंट अस्पताल में एडमिट नहीं है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के सरकारी और निजी अस्पताल कोविड फ्री हो चुके हैं, इसको लेकर हमारे साथ जो है CMO हैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी, वो बने हुए हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ हालात कोविड-19 के पेशेंटों की बनी हुई है। लगातार जो है मरीजों की संख्या घट रही है, डॉक्टर साहब क्या कुछ हालात बने हुए हैं? हमारे यहाँ लगातार कोविड पेशेंटों की संख्या घट रही है।